यो व्हाट्सएप कैसे सब सब लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। अब लोगों को तो पता ही होगा पहले एपिसोड में मेरा फुल आयरन आर्मर हो गया था। इस एपिसोड में एक छोटा सा घर बनाऊंगा। चलो पहले आप लोग को दिखाते रहो ऑफलाइन में मैंने कितना सारा आयरन माइनिंग किया। देख सकते हो आप लोग को कितना आयरन डायमंड मिला था। उसके बाद आप लोग देख सकते हो लैपिस एप्सन भी मिला था। चलो इस चेस में तो कुछ नहीं है, नीचे चेस में थोड़ा सा और भी माइंड किया था। चलो पहले वहाँ पर जाकर दिखा देता हूँ। एनिमल फैनिमल भी मैंने थोड़ा सा बांध बनाया तो अगर एनिमल खिले थोड़ा इस क्योंकि खाना में दिक्कत नहीं होगा। चलो उस थोड़ा सा आगे देखे दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब मैंने थोड़ा सा क्रॉप हार्वेस्ट किया है, कैरेट फीट कैरेट पोटेटो सीड्स लगा के माइन किया था। यहाँ पर थोड़ा सा शुगर कैन माइन किया, फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लावा रिसर्च बनाया था, स्टोन फार्म आयरन फार्म बनाने भी काम आएगा। चलो हम लोग का घर बनाना शुरू करते हैं। आप लोग को पहले थोड़ा सा ओग्लॉक ले लेना है। ओग्लॉक ले लेने के बाद आप लोग को एक छोटा सा फ्लैट लैंड ढूंढना होगा। ढूंढने के बाद वहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो ये प्रिंट आउट है ना, सेम डिटो आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है। कर लेने के बाद चलो हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को चार चार ब्लॉक करके ऊपर कर देना है। यहाँ पर भी आप लोग को चार चार ब्लॉक करके ऊपर कर देना है। अब आप लोगों को पीछे का साइड चला जाना है। पीछे का साइड जाने के बाद इस ब्लॉक पे ऊपर आप लोग को पाँच वो ब्लॉक प्लेस कर देना है। थोड़ा सा गलत हो गया, पाँच ब्लॉक आप लोग को प्लेस कर देना है। यहाँ पर भी पाँच ब्लॉक आप लोग को प्लेस करना है। उसके बाद आप लोग को सामने में जाके आठ ब्लॉक ऊपर प्लेस कर देना है। उसको अंदर भी प्लेस करा तो फेल हो गया और आठ ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद चलो एमएलजी करने गया था, एमएलजी फेल ही हो गया लॉल। अब गाइस ऊपर को स्टेयर लगाता हूँ, लाइक स्टेयर लगा देता हूँ जल्दी से ऊपर में जाके। देख सकते हो गाइस मैंने स्टेयर लगा दिया है, आप लोग भी देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को उस साइड इस साइड दोनों साइड भी आप लोग को पूरा सा फिल कर देना है। तब तक के लिए यार तो गाइस हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जाके थोड़ा सा डिज़ाइन करना होगा। तो ब्रिज का वो ब्लॉक है ना, वैसे आप लोग को स्टेयर बनाने के बाद स्टेयर यहाँ पर प्लेस करना होगा। प्लेस करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे का जाके ओक का जो स्टेयर होता है यहाँ से शुरू करके कोना पे जाके पूरा सा कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर देने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। कर जाने के बाद आप लोग को ऊपर में चला जाना है, थोड़ा सा डिज़ाइन करके। डिज़ाइन करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा इस टाइप से आप लोग को स्टेयर लगा देना है जल्दी से। स्टेयर लगाने के बाद आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हम लोग का घर। हो जाने के बाद आप लोग देख ही सकते हो। चलो हो गया। अब ऊपर को भी हम लोग को स्लैब लगा देता हूँ जल्दी से। स्लैब लगा देने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा, गलत हो गया। चलो अब हो गया, अब जल्दी से लगा देते हैं स्लैब लोग को। चलो इस पानी देखो ऊपर जाते हो, पानी तो गलत लगे जाए ऊपर भी लगा देता हूँ। पानी का फ्लोर इतना ज़्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, ऊपर में जा ही नहीं पा रहा पानी का फ्लोर। चलो ऊपर में जैसे तैसे करके मैंने ऊपर आ गया हूँ। चलो पानी ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को तीन ब्लॉक काउंट कर सामने से ब्लॉक के आप लोग को चार ब्लॉक ऊपर इंक्रीज कर देना। कर देने के बाद आप लोग को सिंपली उस टेयर है ना ये इस टाइप को मैंने लगाया था उसको आप लोग को भी ऊपर में लगा देना है। लगा देने पर आप लोगों को थोड़ा सा डिज़ाइन में लगाना होगा जिससे आप लोगों का ऊपर वाला जो छत है देखने में भी अच्छा रहेगा। उससे भी हम लोग को कर देते हैं जल्दी से। चलो इस हो गया। अब हम लोग नीचे जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो नीचे आप लोग को फेंस गेट लगा देना है इस टाइप से। फेंस लगाना होगा। फेंस लगाने के बाद चारों टाइप आप लोग को फेंस लगाना होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली एक स्लैब बनाना होगा। फेंस लगाना हो गया।
चलो हम लोग का फेंस लगाना होगा, फेंस जल्दी से हम लोग फेंस बना लेता हूँ जल्दी से। चलो एक मिनट में थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, स्लैब सब निकाल लेता हूँ। चलो जब थोड़ा सा बना लेता हूँ, काम पड़ेगा तो क्या होगा। चलो थोड़ा सा स्लैब भी बना लेता हूँ जल्दी से। चलो बहुत ही ज़्यादा हो गया, चलो अब नीचे जाते हैं क्योंकि ऊपर में जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए, नहीं तो कैसे जाएगा। पानी से तो हर बार तो नहीं जा सकते ना। चलो थोड़ा सा मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पर ओक स्लैब होगा, मैंने ब्रिज प्लैंक लगा दिया हूँ। चलो गाइस थोड़ा सा सीढ़ी फिर भी कर देगा, तब तक के लिए आप लोग टाइम स्लैब इंजॉय करिए। चलो हो गया, बट मैंने ना थोड़ा सा गलत कर दिया, आप लोग भी सही कर दिया। नहीं आप लोग तीन का होगा उसके बाद होगा। चलो आप लोग को पीछे में जाके थोड़ा सा फैंस भी लगा देना है चारों तरफ, जैसे भी जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग को भी उसी के जैसे कर लेना है। आप लोग को यहाँ पर तीन लगा के उसके बाद आप लोग को उस कोने पर जाके कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर देने के बाद आप लोग को थोड़ा सा चेस में जाकर लीप लेके आके जहाँ पर मैंने पीछे में फेंस लगाया था उसके ऊपर आप लोग को लीफ दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा डार्मेंट कर लेते हो। चलो आप लोग को सामने जाके थोड़ा सा पानी के रिसोर्स भी बनाना होगा, जिससे यहाँ पर हार्वेस्ट में भी काम आएगा। चलो आप लोग को भी ऐसे ऐसे पूरा कर लेना है डिटो, मैं जैसा कर रहा हूँ आप लोग को ठीक है। ऐसे ऐसे चार तीन करके आप लोग को कर देना है। उसके बाद आप लोग को सिंपली हो गया है, आप लोग को सिंपली दूसरा साइड भी ऐसे सेम टू सेम कर देना है। कर देने के बाद आप लोगों को और थोड़ा सा बाकी है। चलो डाट तो हो गया, अब आप लोगों को सिंपली वाटर बकेट लेके आना है। उसके बाद आप लोगों को पूरा पानी से ढक देना है। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा लैंटर्न भी प्लेस करना होगा, जिससे ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होगा यहाँ पर थोड़ा सा लैंड भी लैंटर्न भी लगा दे, जिससे ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली नीचे जो है ना रास्ता, वहाँ पर आप लोगों को डार्ट माइनिंग करके आप लोगों को सिंपली प्लैंक्स लगा देना है, जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ आप लोग भी कर लेना। यहाँ पर एक दो तीन चार पांच ब्लॉक जाएगा। उसके बाद आप लोग को कोना कोना में जाकर कर देना। उसके बाद आप लोग को देख ही सकते हो हम लोग का पूरा रोड है तैयार हो गया है। अब आप लोग को एंटरटेनमेंट का सब सामान आप लोग को चेस्ट से लेके आना है, जो मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है। एंड बिल एंटरटेनमेंट टेबल आप लोग को लेके आना है। और जहाँ पर आप लोग खाली हाउस छोड़ा था ना, वहाँ पर जाकर आप लोग को सिंपली सेटअप कर देना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर फुल आप लोग को कम्प्लीट कर देना है। कंप्लीट कर देने के बाद आप लोग देख ही सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक दो कर आप लोग को पूरा सेटअप कर देना है। कर देने के बाद आप लोग को एंड बिल लगा देना। मैं थोड़ा सा कलर लगा दिया, साइड में लगाना चाहता था नीचे लग गया। चलो सेंटर में आप लोग को एंटरटेनमेंट टेबल लगाना है। उसके बाद साइड में दो दो टकर कर लैंटर्न भी लगा देना है। लैंटर्न लगाने के बाद यहाँ पर आप लोग को बोनफायर लगाना है। उसके ऊपर आप लोग को स्मोकर लगा देना है। स्मोकर लगा देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दो बोन फायर लगा देना है। बोन फायर के पीछे आप लोगों को साइन बोर्ड लगा देना है। साइन बोर्ड लगा देने के बाद ऊपर आप लोगों को एक प्रेशर प्लेट होगा, प्रेशर प्लेट आप लोगों को लगा देना है सिंपली। उसके बाद आप लोगों को इसको बुझा देने के बाद यहाँ पर लैंटर्न लगा देना है। सामने या पीछे भी एक लगा देता हूँ जल्दी से। लगा देते यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, आप लोग भी माइंड किया थोड़ा सा काट के पीछे लगा देना एक ब्लॉक पीछे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पेशा फिर ला के यहाँ पर लगा देना है। लगा देने के बाद साइड में दो ठो लैंटर लगा देना है। चलो वहाँ पर कीपर को जल्दी से मार देता हूँ, नहीं तो मेरा पूरा घर उड़ा देगा। चलो ऐसे क्रीट मारने का ट्राई करता हूँ, एक क्रीट दो। चलो ऐसे कीपर तो मार के अब हम लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके हम लोग बोन फायर लगा देते हैं। बोन फायर लगाने के बाद आप लोग का पीछे साइन बोर्ड देखे इसको बुझा देना। बुझा देने के बाद हम लोग को हार्वेस्ट करना है। उसके बाद सीड्स पोटेटो कैरेट आप लोग को जितने भी को हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली बोन भी मार देना चारों तरफ। यहाँ पर भी मार देना है। मार देने के बाद आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर एक लैंटर्न और लैंटर्न जरूरत नहीं है। आप लोग को लैंटर्न लगा देने के बाद आप लोग को सिंपली थोड़ा सा
डेकोरेशन करना होगा ऊपर का साइड, यहाँ पर 3 डार्क 5 ट्रैप डोर स्वीट बेस 3 लगाने के बाद उसको बोर्ड में लगाने के बाद साइड में 2 लैंटर लगा देना है, इसको 2 इस घर के साइड में 2 लगा देना है। 2 लगा देने के बाद आप लोग को सिंपली ग्लास लेके आना है, ग्लास लेके आना होता है हम लोग जहाँ जहाँ पर भी छोड़ा था ग्लास के लिए वहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर 3 लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को ऊपर में भी 1 लगा देना है, यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर भी 2 लगा देना, यहाँ पर भी 3 लगा देना, यहाँ पर भी 3 लगा देना, ऊपर 1 लगाना है, पीछे साइड 3 यहाँ पर भी 3 लगा देना, हो गया डन। अब आप लोग को आउटर दे देता हूँ, चलो पहले डाट लेके वो थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मेरा टारगेट रहेगा फुल डायमंड का आर्मर बनाना, तब तक के लिए बाय बाय।